नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जीत का मंत्र देने वाला हूं। जीत का मंत्र है, सीखना बंद तो जीतना बंद, हुनर है तो कदर है। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वो जीतना भी बंद कर देता है। हौसले के तर्कस में कोशिश का तीर जिंदा रख। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रख। दोस्तों, देर सवेर वही जीतता है जिसमें हौसला होता है, जो दिल से हार नहीं मानता, जो मन से नहीं हारता वही जीतता है। दुनिया में वही आदमी जीतता है जो अपने तलवार की धार तेज रखता है। तलवार की धार तेज रखना यानी हमेशा अपने आप को अपडेट रखना। आप मोबाइल खरीदते हो, उसकी हर एप्लीकेशन आप अपडेट करते हो, मगर कोई भी व्यक्ति मैंने नहीं देखा जो अपने आप को अपडेट करता हो। और जीतता वही है जो अपने आप को अपडेट करता है। आपको दूसरों से नहीं, अपने आप से स्पर्धा करनी है। अपने आप को हर रोज बेहतर बनाना है। कल जो सीखा है उससे बेहतर सीखना है, कल जो किया था उससे बेहतर करना है। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी है दो लकड़हारों की, मोहन और सोहन की। दोनों एक समान रूप से काम करते थे, मगर मोहन सोहन की अपेक्षा 3 गुना काम कर लेता था। तो एक दिन सोहन ने पूछा कि मोहन, तुम्हारी सफलता का राज क्या है, तुम उससे 3 गुना अधिक काम क्यों कर लेते हो? इस पर मोहन ने कहा, क्या तुमने कुछ कभी मुझे देखा नहीं? क्या तुमने मेरे कार्य का निरीक्षण नहीं किया? मैं बीच बीच में काम रोक कर अपने कुल्हाड़ी की धार तेज कर लेता हूं। मेरी धार हमेशा तेज रहती है, इसलिए मैं तुमसे ज्यादा तेज हूं। तो यदि आपके हथियार की धार तेज रहेगी, यदि आपके तलवार की धार तेज है, तो ही आप जिंदगी की जंग जीत पाओगे। यदि आपको जीतना है तो सीखना है, और मार्केट में वही चलेगा जो नया है, जो धारदार है। मैं आपको नोकिया कंपनी का उदाहरण देना चाहूंगा। एक समय था कि लोग नोकिया के अलावा कोई और मोबाइल नहीं खरीदते थे। मैं नोकिया मार्केट में से गायब हो गया। रीजन वही कि नोकिया ने सीखने से इनकार कर दिया, उसने नई टेक्नोलॉजी को अपनाया नहीं। एक सज्जन ने विश्व प्रसिद्ध गजल गायक जगजीत सिंह से कहा था कि आप जैसी गजल गायकी सीखने के लिए मैं अपना पूरा जीवन दे सकता हूं। इस पर जगजीत सिंह ने जो कहा उसे आप ध्यान से सुनिएगा। जगजीत सिंह ने कहा कि क्या आपको क्या लगता है, मैंने इस हुनर को सीखने के लिए पूरा जीवन लगाया है। इसके बाद उन्होंने कहा कि यदि मैं एक दिन रियाज ना करूं तो मेरे म्यूजिक डायरेक्टर को पता चल जाता है, अगर मैं एक सप्ताह रियाज ना करूं तो मेरे श्रोताओं को पता चल जाता है, इसलिए मुझे हर रोज रियाज करना पड़ता है। तो यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको अपने तलवार की धार तेज रखनी होगी। एक एथलीट, उसका ओलंपिक में परफॉर्मेंस होता है मात्र 10 से 15 सेकेंड का। कैन यू इमेजिन कि वो उसके लिए कितनी प्रैक्टिस करता है? 10 से 15 वर्ष। एक गोल्ड मेडल के लिए 10 से 15 सेकेंड के परफॉर्मेंस के लिए एक एथलीट 10 से 15 वर्ष मेहनत करता है, तब जाके उसको वो गोल्ड मेडल हासिल होता है। माइकल फेल्प्स, दुनिया में सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी, उन्होंने अभी तक कुल मिलाकर 28 मेडल जीते हैं, और उनके ये मेडलों की संख्या भारत के मेडल के बराबर है। यानी एक अकेला व्यक्ति 125 करोड़ के बराबर है। जब उन्होंने ओलंपिक में एक साथ 4 गोल्ड मेडल जीते थे तो पत्रकार ने उनसे कहा, इट मस्ट बी योर लकी डे। इस पर माइकल फेल्प्स ने जो कहा था उसे ध्यान रखना। उन्होंने कहा था कि लक की बात कर रहे हैं आप, कभी एक दिन स्विमिंग पूल में 10 से 12 घंटे खड़े रहकर देखना, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज लक एंड व्हाट इज स्किल। तो दोस्तों, एथलीट जो है वो ऐसा नहीं करता कि परफॉर्मेंस के कुछ दिनों पहले प्रैक्टिस करे, वो हमेशा परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए अपने आप को निखारता है, नई नई टेक्निक सीखता है, उसके बाद वो सफल होता है। दोस्तों, मैं विद्यार्थी मित्रों को कहना चाहूंगा कि विद्यार्थी मित्रों में एक समस्या होती है, वो परीक्षा के कुछ दिन पहले ही पढ़ना शुरू करते हैं। वो सोचते हैं कि परीक्षा है कि उस दिन पढ़ा जाएगा, मगर अच्छे अंक वही विद्यार्थी लाता है जो पूरी साल मेहनत करता है। क्योंकि जो काम को पोस्टपोन करने की जो आदत है वो हमारा पूरा जीवन बिगाड़ देती है।
याद रखो दोस्तों, स्लो बट स्टेडी विंस द रेस। यदि आप सोचो कि आप अंतिम दिन पे प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप गलती कर रहे हो। आपको हर रोज थोड़ी थोड़ी पर हर रोज प्रैक्टिस करनी होगी, तो ही आप जीत पाओगे। अपने जीवन में एक ऐसा सपना, एक ऐसा लक्ष्य रखना ही चाहिए जो आपको सुबह उठने पर काम करने के लिए मजबूर कर दे। इसे दोस्तों, जीवन में यदि आगे बढ़ना है तो सीखना ही पड़ेगा, नई नई टेक्नोलॉजी को सीखना पड़ेगा, आपको अपने आप को, अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़ेगा। आई एम श्योर दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसके लिए इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।